टोंक जिले में अनुकूल जलवायु के चलते उद्यानिकी फसलों के अच्छे उत्पादन को लेकर अच्छे आसार नजर आने लगे हैं। टोंक जिले की जलवायु और वातावरण चीकू की खेती से बड़ा हब बन सकता है। इस खेती से किसानों की आय में अधिक इजाफा हो सकता है। इसी को लेकर पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने टोंक जिले में चीकू की खेती की प्रचुर संभावना जाहिर की है। उन्होंने अपनी नर्सरी में उन्नत किस्म की चीकू की खेती की है। इन चीकू की गुणवत्ता और मिठास में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष बागड़ी ने पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी से की खास बातचीत। टोंक जिले में चीकू की खेती की विपुल संभावनाएं। टोंक जिले की जो जलवायु है वो चीकू की खेती के लिए अनुकूल है। यदि टोंक में चीकू की खेती को बढ़ावा दिया जाए तो आने वाले समय में चीकू की खेती में टोंक बड़ा हब बन सकता है। इसको लेकर पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने भी संभावना जताई है। डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने अपनी नर्सरी में चीकू की उन्नत किस्मों की खेती की है, जिनके जो परिणाम सामने आए वो काफी चौंकाने वाले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभुलाल सैनी, उनसे हम इस संबंध में बात करते हैं। जी सर, बताइए टोंक जिले में किस तरह की संभावनाएं हैं चीकू की खेती को लेकर? टोंक जिले की आबो हवा, जलवायु और मिट्टी और पानी का ऐसा समावेश है कि यहाँ पर चीकू की खेती एक किसान के रूप में मैंने शुरू की थी। आज चौथा और पांचवा साल है, लेकिन एक एक पेड़ पे लगभग 80 से 100 किलो तक ऐसी उन्नत वेराइटी के चीकू, जिनमें खासतौर से यदि हम देखें तो क्रिकेट बॉल है, दूसरा सबसे अच्छा जो काली पत्ती है, तीसरा DHS1 और DHS2, ये चार प्रकार की ऐसे वैरायटीज हैं जिनका यहाँ पर खेती शुरू की गई है। इस वर्ष जिस प्रकार का फलों का आना हुआ है वो इस बात का संकेत देता है कि चीकू की खेती एक साल में दो बार बेमौसम भी, अभी जिसका मौसम नहीं है सर्दी में चीकू आते हैं, लेकिन अभी फसल पकने को तैयार है और मैं समझता हूँ कि 15 से 20 दिन में चीकू की फसल पककर तैयार हो जाएगी। और किसान यदि इस खेती को करते हैं तो मैं समझता हूँ किसान की आय 2022 तक जो किसान इसकी खेती करते हैं उनके दोगुनी निश्चित रूप से हो सके। जैसा कि आप पिछले सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे और टोंक जिले की जलवायु से भी वाकिफ हैं, चीकू के अलावा ऐसी कौन सी खेती है जिनसे किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है? देखिए तो पिंड खजूर की खेती है, चीकू की खेती है, आम की खेती है, क्या जैतून की खेती है, ऐसे इनोवेशंस यदि खेत पे किसान उसको अपनाता है तो मैं सकता हूँ कि चूँकि जिस प्रकार अभी चीकू की खेती को हमने देखा, जिस प्रकार की खेती एक किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आम उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीज़ें मिले, ये बहुत ही आवश्यक है। ये थे पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी, जिन्होंने हमें बताया कि टोंक जिले में किस तरह से चीकू की खेती जलवायु अनुकूल है और इस खेती से किसानों को कितना फायदा मिल सकता है। एवन टीवी न्यूज के लिए मनीष बागड़ी।